अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से प्रचंड जीत दोहराने का लक्ष्य लेकर बीजेपी मजबूत मोर्चाबंदी में जुट गई है। संगठन के कार्यकर्ताओं को कार्यक्रमों की जिम्मेदारी सौंपकर सांसदों को भी मिशन यूपी 2022 में लगाया जा रहा है। 28 और 29 जुलाई को दिल्ली में सभी 6 क्षेत्रों की बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर मंथन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पंचायत चुनाव में मिली जीत के बाद लखनऊ में यूपी बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। इसमें बूथ मैनेजमेंट से लेकर आगामी तैयारियों पर चर्चा की गई थी। अब देश की राजधानी दिल्ली में मिशन यूपी 2022 को लेकर मंथन हो रहा है। इस बैठक में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के अपने सभी सांसदों को बुलाया है। सांसदों से फीडबैक लेने के बाद ही अब बीजेपी आगे की रणनीति तैयार करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बैठक में शामिल हैं। दिल्ली में सभी 6 क्षेत्रों ब्रज, पश्चिम कानपुर, अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्र की बैठकें होंगी। 28 और 29 जुलाई को इस बैठक में यूपी के सांसदों के साथ प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन मंत्री सुनील बंसल भी शामिल होंगे। यूपी प्रभारी राधामोहन सिंह भी मौजूद रहेंगे। बैठक का मकसद 2022 की चुनावी रणनीति और उसमें सांसदों की भूमिका है। बैठक में सांसदों से मुलाकात कर चुनाव के बारे में क्षेत्र का फीडबैक लिया जाएगा, साथ ही उन्हें कुछ अहम जिम्मेदारियां भी सौंपी जाएगी। सूत्रों के अनुसार बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व सांसदों को 2020 की जीत का सूत्रधार बनाना चाहता है। इसके साथ ही चुनाव में पार्टी कुछ विधायकों के टिकट काट सकती है और ऐसे में संभव है कि कुछ विधानसभा क्षेत्र में बगावत भी हो। ऐसी सूरत में बगावती तेवर वाले विधायकों से निपटने की जिम्मेदारी भी सांसदों को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी ने तेज कर दी है। चुनावी रणनीति को लेकर लखनऊ और दिल्ली में कई दौर की बैठक हो चुकी है। पूरा जोर इस बात पर है कि जनता के बीच सेवा कार्यों को बढ़ाने के साथ ही योगी सरकार और मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुँचाया जाए और योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाए। इसके लिए विभिन्न कार्यक्रम तय कर कार्यकर्ताओं को मैदान में उतार दिया गया है।